के श्री अखिलेश यादव जी का जो फूट डालो राज करो की ये प्रवृत्ति है, उनकी जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश और देश की राजभर समाज के लोग जान रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर से डर करके, भयभीत होकर, घबरा कर, तो इतनी बौखलाने की जरूरत नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी को एक भी राजभर समाज का वोट अब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता और हमारे समाज के लोग आपकी चालबाजी को समझ गए हैं। आपकी चालबाजी अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। ये है ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर, जो अखिलेश यादव पर भयंकर फायर नजर आई। सोहेल देव स्वाभिमान पार्टी के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने शिरकत की तो राजभर के बेटे उन पर फायर हो गए। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर सरकार में मंत्री पद मिलने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी लगातार राजभर वोटों को लोकसभा चुनाव से पहले जोड़ने की कोशिश में जुटी है। अखिलेश यादव ने राजभर से बागी हुए महेंद्र राजभर की पार्टी सोहेल देव स्वाभिमान पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत की। इस मामले पर सुभाषपा राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जिसे इतनी बौखलाई है, घबराई है और इतना भयभीत है कि अब उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, तो हमारे समाज के जो दगे हुए कारतूस हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, उनके कार्यक्रम बैनर लगवाते हैं, उनका झंडा देते हैं, उनको टोपी देते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको गाड़ी देते हैं और उसमें यादव समाज को उनकी मीटिंग में बुला करके ये दिखाते हैं कि देखिए राजभर इनके साथ हैं। तो ये श्री अखिलेश यादव जी का जो फूट डालो राज करो की ये प्रवृत्ति है, उनकी जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश और देश की राजभर समाज के लोग जान रहे हैं। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस व्यक्ति के कार्यक्रम में वो जा रहे हैं, वह व्यक्ति पहले ही सपा का एजेंट बन गया। और मैंने तो रंगों हाथ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पकड़ करके बताया था कि ये समाजवादी पार्टी का एजेंट है और समाजवादी पार्टी इनको फाइनेंस कर रही है, इनको व्यवस्था दे रही है, गाड़ी दे रही है, पैसा दे रही है, झंडा टोपी तमाम व्यवस्थाएं दे रही है और सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर से डर करके, भयभीत होकर, घबरा कर, तो इतनी बौखलाने की जरूरत नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी को एक भी राजभर समाज का वोट अब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता और हमारे समाज के लोग आपकी चालबाजी को समझ गए हैं। आपकी चालबाजी अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। आप अब पूरी तरीके से आप सिर्फ लोगों का मोह भंग हो रहा है। अपने लोगों को बचाइए, आपके साथ लोग जाने को तैयार नहीं है, तो आप दूसरे लोगों को किराए पर लेकर के अब उनके कार्यक्रमों में जाकर के पैसा संसाधन और अपने यादव समाज को उस बैठक में बैठा करके यह दिखाना चाहते हैं कि राजभर समाज के लोग हैं। अरे भैया, इस देश के लोग और हम लोग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता गांव गरीब कमजोर के बीच में जाकर के देखता है कि वास्तव में हमारा समाज किस समस्या से दुखी है। कभी हमारे समस्याओं पर आपने चर्चा नहीं किया, आपने हमेशा से अति पिछड़े वर्गों को हक लूटा है, राजभर समाज को कभी सम्मान नहीं दिया, आपने हमेशा से धोखा देने का काम किया, वोट की राजनीति आपकी जो चालबाजी है, सिर्फ वोट की राजनीति, आपको वोट नहीं मिलने वाला है। 2024 में एनडीए गठबंधन के साथ पूरी तरीके से हमारा पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर, हमारा समाज पूरी दमदारी के साथ खड़ा है। आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, आप सिर्फ झुनझुना लेकर के घूमते रहिएगा, आपके हाथ कुछ बचने वाला नहीं है। आपसे मैं अपने समाज के लोगों से कहता हूं, श्री अखिलेश यादव जी से सावधान हो जाइए, इनसे बड़ा चालू कोई है नहीं, ये हमेशा से लोगों को धोखा देते हैं और फूट डाल करके राजनीति करने का एक कार्यक्रम चलाते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत। तो अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी को चालबाज तक कह दिया। उन्होंने कहा कि सुभा सपा की बढ़ती लोकप्रियता से समाजवादी पार्टी घबरा गई है, इसलिए अखिलेश यादव फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रहे हैं। सपा को पीडीए की जगह सनातन विरोधी यात्रा चलाना चाहिए। एनडीए सरकार शिक्षा के लिए जो काम कर रही है, अखिलेश यादव जन्मों जन्म तक नहीं कर पाएंगे। अब ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर की इस बयानबाजी को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।